हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट जुलाई 2018 इलेक्ट्रॉनिक साइंस पेपर 2। तो यहां पर मैं आपको पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। इस कंप्लीट सॉल्यूशन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज पार्ट 1 में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है, जिस पे हमें एक सर्किट दिया हुआ है। सिंपल सा आपका एक सर्किट है और अगर आप देखेंगे यहां पर आपको रजिस्टर की वैल्यू 4 ओम दी हुई है, यहां पर आपकी 2 ओम है और यहां भी आपकी 2 ओम है। तो यहां पर एक वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का और यहां पर है आपका 10 वोल्ट का। ओके, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है अरेंज द अबव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेसिपिएटिंग पावर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो रजिस्टर सबसे कम पावर डेसिपिएट करता है उसे आप पहले लिखिए, देन उसके बाद जो रजिस्टर सबसे ज्यादा पावर डेसिपिएट करता है उसे आप लिखिए। यहां पर पावर P1 दिया है अक्रॉस रजिस्टर R1, पावर P2 दिया है अक्रॉस रजिस्टर R2 एंड पावर P3 है अक्रॉस रजिस्टर R3। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका R1 है 4 ओम, ये आपका R2 है 2 ओम और ये आपका R3 है 2 ओम। तो अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे और इसे सॉल्व करें अगर इस क्वेश्चन को, तो हमें अगर पावर कैलकुलेट करना है तो हमें हर एक रजिस्टर के अक्रॉस या तो वोल्टेज पता होना चाहिए या तो फिर हमें करंट पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं KVL लगा दूं, सो यहां पर करंट I1 हो जाएगी और ये करंट मेरी कितनी हो जाएगी I2। तो अगर मैं KVL लगा दूं दोनों मैश में, तो आप देखिए फर्स्ट मैश में KVL अगर लगाऊं तो कितना होगा, -5 क्लॉकवाइज में मूव कर रहा हूं, प्लस 4I1 इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 4I1 और इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या है आपकी I1 माइनस I2 है, तो प्लस 2 I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं सेकेंड लूप में भी KVL लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा आपका, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा आपका 2I2 माइनस I1, ठीक है ना, अब आप I2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, प्लस इसके अक्रॉस 2I2 एंड क्लॉकवाइज जब मूव कर रहे हैं तो पहला साइन वोल्टेज का क्या आ रहा है आपका प्लस 10। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो मुझे I1 I2 की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। तो हम लोग यहां पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर मैं पहले इक्वेशन 1 को रीअरेंज करता हूं, तो ये हो जाएगा 6I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 5 और इक्वेशन 2 को मैं अब रीअरेंज करने जा रहा हूं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2I1 और क्या हो जाएगा आपका I2 हो जाएगा प्लस 4I2, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा माइनस 10। क्लियर है अच्छे से? तो ये हमारे दोनों इक्वेशन अरेंज हो गए। तो अब अगर मुझे I1 I2 की वैल्यू सॉल्व करनी है तो मुझे दोनों इक्वेशन सॉल्व करने होंगे फॉर I1 I2 वैल्यू कैलकुलेशन। तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में I2 का कॉफिशियंट जो है वो -2 और 4 है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो I2 का कॉफिशियंट दोनों में -4 और एक में +4, ये हो जाएगा आपका। तो अगर मैं अब मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर दूं तो यहां पर कितना हो जाएगा 12I1 -2I1, कितना हो जाएगा हमारा 10I1 -4I2 +4I2 0 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10 -10, ये भी हो जाएगा 0। तो इससे हमारी I1 की वैल्यू क्या आ गई 0। क्लियर है अच्छे से? नाउ I1 जैसे ही 0 आया किसी भी इक्वेशन में, मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में I1 की वैल्यू पुट कर देता हूं जिससे मुझे I2 मिल जाएगा। तो -2 × 0 प्लस 4I2 इक्वल टू -10। तो यहां से I2 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाएगी, माइनस
2.5 एम्पियर। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर मुझे I1 भी मिल गया और I2 भी मिल गया। I1 मेरा 0 है, I1 मेरा 0 है, इसका मतलब जो R1 की अक्रॉस जो पावर होने वाला है, हमें पता होना चाहिए पावर क्या होता है हमारा, I स्क्वायर R होता है। तो जो P1 होगा उसके लिए देखिए आप I1 स्क्वायर R करना पड़ेगा आपको, चूंकि I1 0 है इसलिए P1 क्या हो जाएगा हमारा 0 वॉट। नाउ अगर आप नेक्स्ट देखें, यहां पर अगर आप बात करें P2 की, तो P2 के केस में ये वाला होगा आपका R2। तो P2 के केस पे बात करें तो करंट सिर्फ और सिर्फ कितनी है आपकी, करंट है आपकी I2, तो I2 की वैल्यू क्या है -2.5 एम्पियर। तो P2 कितना हो जाएगा हम लोग का, P2 हमारा हो जाएगा -2.5 का स्क्वायर इनटू 2 ओम। देख सकते हैं हमारा रजिस्टर की वैल्यू है 2 ओम। अब अगर आप P3 की बात करेंगे तो ये R3 के अक्रॉस करंट कितनी है I1 माइनस I2, तो चूंकि I1 जीरो है तो जो P3 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर इनटू 2। तो आप देख सकते हैं P2 और P3 आपके दोनों इक्वल आ रहे हैं यहां पर। तो P1 आपका जीरो है, P2 और P3 दोनों इक्वल हैं। क्लियर है अच्छे से? तो अगर आप देखें यहां पर पूछा हुआ है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि P1 अगर जीरो है आपका तो यहां पर जो फर्स्ट है आपका वो तो A ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका A B C भी हो सकता है और A C B भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपके ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं A B C और A C B, क्योंकि दोनों पावर आपके क्या आ रहे हैं यहां पर इक्वल आ रहे हैं। क्लियर है अच्छे से? तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंप्लीटली केवीएल या नोडल का नॉलेज होना चाहिए था, नोडल या मैश एनालिसिस का। तो यहां पर आप समझिए कि अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो आपको गेट के बेसिक क्वेश्चंस का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में कहा हुआ है, हमारे चैनल में हमने बहुत सारी वीडियो में आपको कहा हुआ है कि पहले आप गेट की स्टडी करिए, गेट की बेसिक क्वेश्चंस की स्टडी करिए, तो आपसे न्यूमेरिकल जो है वो काफी अच्छे तरीके से होंगे यूजीसी नेट के। क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन हमारा कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है और इस कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया है, यहां पर हमसे टेबल मैच करने को कहा गया है। तो अगर आप देखेंगे, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो माइनस वन आपका पॉइंट है वो आपका इंक्लूड नहीं कर रहा है आपका पोलर प्लॉट, कुछ पोलर प्लॉट्स आपको दिए हुए हैं ना। और अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन को देखें बी को, तो यहां पर फिर से आपका पोलर प्लॉट माइनस वन वाले पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहा। अगर आप सी वाले पार्ट को देखेंगे तो यहां पर माइनस वन इज ऑन द पोलर प्लॉट, और हमें पता है जब माइनस वन इज ऑन द पोलर प्लॉट होता है तो सिस्टम क्या होता है आपका मार्जिनल स्टेबल। और डी वाले में अगर देखें तो माइनस वन आपका पोलर प्लॉट के थ्रू इंक्लूड हो रहा है, दैट मींस आपका सिस्टम क्या होगा अनस्टेबल। जब भी माइनस वन इंक्लूड होता है सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल। तो यहां पर डी का ऑप्शन हो जाएगा थ्री। तो आप देख लीजिए कहां पर आपको सी का फोर और डी का थ्री दिख रहा है, तो सी का फोर डी का थ्री ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ। क्लियर है अच्छे से? बाकी जो आपके ऑप्शन है ए और बी वो तो ऑलवेज क्या होंगे आपके, जो ए और बी पॉइंट है आपका वो आपका हमेशा क्या होगा स्टेबल होगा, क्योंकि माइनस वन वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो ये तो स्टेबल है ही आपके दोनों, मेन आपको देखना था सी और डी में। तो सी का क्या हो जाएगा फोर और डी का कितना हो जाएगा आपका थ्री, ठीक है। तो आपका ये जो फर्स्ट वाला कोड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ बैंड गैप एनर्जीज दी हुई हैं और आपको मटेरियल और बैंड गैप एनर्जीज को मैच करना है। तो देखिए यहां पर GaAs गैलियम आर्सेनाइड, इससे हमको फैमिलियर होना चाहिए, बहुत इजी है ये, चाहे आप गेट की स्टडी करें, चाहे आईएएस की करें, चाहे किसी पीएसयू एग्जाम की करें, चाहे आप यूजीसी नेट की करें, कहीं पर भी आप स्टडी करें, ये GaAs जो है ये बहुत ही फेमस मटेरियल है आपका।
तो इसका होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है अच्छे से। अब अगर मैं बात करूं यहां पर GA AlAs की, तो इसका फिर आपको वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.41 टू 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका अगर आप ऑप्शन में मैच करने की कोशिश करें, मान लीजिए आपको बाकी वैल्यूज याद नहीं है, तो क्या ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा इससे? देखिए आप A का 4, तो आप देख सकते हैं यस A का 4 आपका एक ही जगह पर है बस। तो A का अगर आप 4 लिख देते हैं तो B का हमने क्या डिस्कस किया हुआ है 3, तो क्या B का 3 है यहां पर? यस है। तो आपका C का क्या हो जाएगा फिर 2, तो C का INGAAS का होगा 0.96 टू 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और INGAASP का होगा 0.73 टू 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, फिर से ईडीसी का क्वेश्चन है। अगर आप देखें यहां पर पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना, काफी आसान है ये आपका। ये हो जाएगा आपका A का 3, ठीक है, और जेनर डायोड, जेनर डायोड जो है हमारा वो आपका कुछ इस तरीके का सिंबल कैरी करता है, तो जेनर डायोड जो है वो सीधा सीधा आपका हो जाएगा 2, B का 2। वैसे तो हम चारों ऑप्शन मैच करा सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बट फिर भी हम चेक करते हैं क्या हमारा आंसर आ गया है। तो A का देखिए 3 होना चाहिए था, तो A का 3 जो है ऑप्शन नंबर 1 में भी है 2 में भी है। B का या तो फिर 4 हो सकता है या तो 2, तो B का 2 हमने ले लिया है ऑलरेडी, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो C का क्या होगा 1, शॉर्ट की डायोड का इस तरीके से ही बनता है, और D का क्या हो जाएगा 4, दिस इज फॉर टनल डायोड। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका ईडीसी एनालॉग का क्वेश्चन है, आप देखिए इसे। आपको मैच करना है जैसे आपको जेफेट मॉसफेट गन डायोड बीजेटी इनके कुछ फॉर्मुलेस दे दिए गए हैं, किस चीज के फॉर्मुले ये नहीं बताया है, बट इनसे रिलेटेड फॉर्मुले हैं, हमें बस इन फॉर्मुलेस को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम बात करें जेफेट, तो ये जो 2IDSS अपॉन मॉड ऑफ VP 1 माइनस VGS अपॉन VP, ये आप जेफेट में ही पढ़ते हैं, तो ये आपका 1 का हो जाएगा 2, और ये म्यू एन COX ये सारी चीजें आप किस पे पढ़ते हैं MOSFET में, तो B का कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो आप देखिए क्या ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, तो A का 2 B का 1, A का 2 B का 1 और कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। और इस ऑप्शन के हिसाब से C का क्या होगा 3 गन डायोड का, और D का BJT का, हमें पता है BJT में बीटा वगैरह यूज होते हैं हमारे RBRE, ठीक है ना, बेस रेजिस्टेंस इमीटर रेजिस्टेंस। क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन अ सर्किट शोन बिलो द बेस करंट IB इज, तो आपको बेस करंट यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि अगर हमें बेस करंट चाहिए तो ये आपका कौन सा एनालिसिस होगा, DC एनालिसिस होगा, और DC एनालिसिस में हमें पता है कि जो कैपेसिटर होते हैं वो क्या होते हैं आपके ओपन सर्किट होते हैं। तो यहां पर अगर मैं सर्किट बना लूं तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा प्लस 12 वोल्ट, और फिर आपका रजिस्टर, फिर आपका एक ट्रांजिस्टर, रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 3 किलो ओम, हमने यहां मेंशन कर दिया 3 किलो ओम। अब आप देखिए अगर आपका डीसी सर्किट है, मतलब जो आपका कैपेसिटर है वो अगर आपका ओपन सर्किट हो गया है, तो ये 68 और 120, क्लियर है अच्छे से, ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके 188 किलो ओम, ठीक है ना। और ये 188 किलो ओम जो है ये आपका सर्किट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि कैपेसिटर आपका ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर इसकी तो कोई मीनिंग होगी नहीं अब आपकी, तो ये हो जाएगा आपका 188 किलो ओम, ठीक है, इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए यहां पर। और ये जो आपका पोर्शन है ये कहां से कनेक्टेड है आपका, आप देख सकते हैं ये आपका बेस वाले पोर्शन से कनेक्टेड है, तो ये इस तरीके से आपका सर्किट हो जाएगा। अब अगर आप देखें यहां पर जो आपका इमीटर है
वो आपका डायरेक्टली ग्राउंडेड है यहां पर, क्लियर है अच्छे से। और कोई इंफॉर्मेशन? यस, हमें बीटा की वैल्यू यहां पर दी हुई है, तो बीटा की वैल्यू हम लिख लेते हैं, ये आपको गिवन है 140। और कोई इंफॉर्मेशन हम गेन कर सके यहां पर? यस, हमें पता होता है कि यहां पर आपका वोल्टेज क्या होता है, प्लस माइनस वीबीई 0.7 वोल्ट। तो अब अगर मैं यहां पर सर्किट को सॉल्व कर लूं तो देखेंगे आप यहां से जो करंट है वो कौन सी होगी आपकी। देखिए हमें पता है ये करंट होती है आईसी, बेस पे करंट कौन सी जाती है आईबी, और ये करंट होती है आपकी आई। तो ऑब्वियस सी बात है जो ये करंट है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, आईबी प्लस आईसी, तभी तो आपकी आईसी और आईबी में डिवाइड हो पाएगी। तो अब अगर मैं यहां पर आपके लिए केवीएल लगा दूं तो आप देखिए 12, ठीक है ना, यहां पे लगा रहा हूं 12 इज इक्वल टू 3 आईबी प्लस आईसी, ठीक है ना, रजिस्टर इनटू करंट। फिर आप इस तरफ मूव कर जाइए, यहां करंट कौन सी आपकी, सिर्फ और सिर्फ आईबी है, तो क्या हो जाएगा 188 आईबी, ठीक है, मैं ये पाथ चूज कर रहा हूं ये वाला, आप देख लीजिए फिर क्या हो जाएगा प्लस 0.7, ठीक है ना, और लास्ट में आपका प्लस 0, क्लियर है अच्छे से। तो अब अगर आप देखेंगे तो 12 माइनस 0.7 और 3 आईबी प्लस आईसी, हमें पता है बीटा 140 है, तो आईसी क्या होगा आपका 140 आईबी, ठीक है ना, आईसी इक्वल टू क्या होता है हमारा बीटा आईबी। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 3 आईबी प्लस आईसी, मतलब कितना हो जाएगा 141 आईबी प्लस 188 आईबी। और हमें कैलकुलेशन के लिए क्या बोला है यहां पर आपके लिए, हमें बोला है आईबी, तो हमें आईबी ही निकालना है, तो आईबी कितना हो जाएगा आपका 11.3। अब 141 इंटू 3, तो 141 इंटू 3 लिख दीजिए आप, और प्लस 188 लिख दीजिए। तो इसे अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो ये जो आपका आंसर यहां पर आ रहा है वो आ रहा है आपका 0.01849। तो ये हमारा आंसर आ रहा है आईबी का। तो आप देख लीजिए आईबी का आंसर, सारे आंसर आपके माइक्रो एम्पियर में लिखे हैं, तो आपको इंटू 10 की पावर 6 करना होगा। तो जैसे ही आप इंटू 10 की पावर 6 करेंगे इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 18.49 माइक्रो एम्पियर। तो हम देख सकते हैं यहां पर कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो आपका मैच कर रहा है, ठीक है ना, अप्रोक्स 18.58 गिवन है, आपका 18.49 आ रहा है, क्लियर है अच्छे से। तो हम यहां पर टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन केस ऑफ पीसीएम, कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है आपका, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी दी हुई है, इफ द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इज इंक्रीज फ्रॉम एन टू एन प्लस वन द एस क्यू एन आर रेशियो वुड बी 6 dB, मतलब सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो 6 dB आपका होता है क्या, ये हमें चेक करना है। तो एस क्यू एन आर इन डीबी, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है आपका, 6n होता है, ठीक है, जहां n क्या होता है आपका नंबर ऑफ बिट्स। तो अगर मैं n की जगह n प्लस 1 करूं, मतलब अगर मैं नंबर ऑफ बिट्स को 1 से इंक्रीज कर दूं, जैसे एग्जांपल आप देखिए, अगर आपकी n की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा 18 dB, और अब अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लूं तो क्या हो जाएगा आपका 24 dB, मतलब रेशियो वुड बी इंक्रीज्ड बाय 6 dB, बिल्कुल करेक्ट है आपका। जब भी आप n की जगह n प्लस 1 या आप जब भी n को 1 से इंक्रीज करेंगे तो आपका जो एस क्यू एन आर डीबी है, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो है, वो 6 dB से इंक्रीज होगा। तो आपका ए तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ए तो आपका तीन तीन ऑप्शन में करेक्ट है, तो हमें और भी चेक करना पड़ेगा। क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो डिपेंड्स अपॉन सैम्पलिंग रेट, ये स्टेटमेंट तो सही नहीं लग रही। क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो जो है वो सैम्पलिंग रेट पे डिपेंड करता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे चेक करते हैं, हमें ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। द मेन एडवांटेज ऑफ पीसीएम इज दैट इट प्रोसेसेस बेटर परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइस,
ये स्टेटमेंट भी आपकी इतनी कंक्लूसिव नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हम फोर्थ स्टेटमेंट पहले चेक कर लेते हैं. इफ द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स इंक्रीज फ्रॉम 4 to 64, तो हमें पता है जो क्वांटाइजेशन लेवल होते हैं एल, वो 2 की पावर n से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. तो अगर पहले क्वांटाइजेशन लेवल 4 है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 2, और क्वांटाइजेशन लेवल अगर 64 है तो आपकी n की वैल्यू क्या हो रही है, 6. मतलब n की वैल्यू को 2 to 6 तक हम चेंज कर रहे हैं, यही आपसे कहा गया है इनडायरेक्ट वे में. तो कह रहा है कि इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 64, द बैंडविड्थ इज इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4. तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि जो बैंडविड्थ होती है आपकी पीसीएम के केस में, वो होती है NFS, जहां FS होता है आपका सैंपलिंग रेट, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी. तो N को अगर आप 2 to 6 कर रहे हैं, तो इसकी मीनिंग क्या है कि आप N को 4 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो बैंडविड्थ भी आपकी क्या हो जाएगी, 4 से इंक्रीज हो जाएगी. बिल्कुल क्लियर है. तो आपका ए भी सही है, डी भी सही है. तो जब ए और डी आपके करेक्ट हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. आपको यहां पर सेकेंड और थर्ड जो थ्योरिकल ऑप्शंस थे उनके लिए ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है. तो देखिए आप, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि अगर आपने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल की ठीक ठाक प्रैक्टिस की होती, गेट के 1 मार्क के न्यूमेरिकल्स की अगर आपने प्रैक्टिस की होती, तो थ्योरी क्वेश्चन में तो फिर भी आप, या थ्योरी स्टेटमेंट में आप डाउट में आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है, फॉर्मूले पता है, तो उसमें आप कभी डाउट पे नहीं आएंगे. तो यहां पर सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट के लिए अगर आप श्योर ना भी होते, लेकिन फिर भी अगर आपको ये फर्स्ट और फोर्थ के फॉर्मुलेस पता होते, तो आप बड़े इजीली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते थे. क्लियर है अच्छे से. नाउ नेक्स्ट देखिए आप, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर DSBSC सिग्नल्स. तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप देखिए इन चारों को हम देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो सकती है, जिसकी चांसेस सबसे ज्यादा है. तो हमें पता है बैंडविड्थ ऑफ DSBSC इज ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये बिल्कुल करेक्ट है. बैंडविड्थ जो होती है हमारी 2W होती है, वेयर W क्या है, मैसेज फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम मैसेज फ्रीक्वेंसी. और अगर देखें हम लोग, इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के थ्रू ही बनाया जाता है इसे, कैरियर सिग्नल एंड मैसेज सिग्नल का यूज करके, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो आपका सी और डी दोनों करेक्ट है यहां पर. तो कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपको सी और डी, देखिए सी और डी जो है आपको, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, बस और कहीं नहीं दिख रहा आपको. तो आप बिल्कुल श्योर है यहां पर, बिना कैलकुलेट किए, बिना स्टार्ट की 2 स्टेटमेंट को देखे आप आंसर बता सकते हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है यहां पर. क्लियर अच्छे से. बट फिर भी हम स्टार्ट की 2 स्टेटमेंट को देखते हैं. एक स्टेटमेंट है, इट नीड्स द मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर. नो, मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर जो है वो SSBSC में लगता है, DSBSC में नहीं, ये हमें पता होना चाहिए. SSBSC में DSBSC के कंपैरिजन में हाफ ट्रांसमिटेड पावर लगता है. आगे देखिए, इट इज अ लो पास फिल्टर, ये आप कह सकते हैं. तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट देखिए, इन द अब्रुप्ट पीएन जंक्शन एनए इज वेरी मच लेसर देन एनडी देन द बैरियर पोटेंशियल इज. हमें पता है जो बैरियर पोटेंशियल होता है या जंक्शन पोटेंशियल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन. ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ओमेगा जो है आपकी, या डब्ल्यू जो है आपकी, वो क्या है आपकी, विथ है. ठीक है, और जो एन है आपका, वो डोपिंग कंसेंट्रेशन को शो कर रहा है. तो यहां पर जिस तरीके से हम पैरेलल पढ़ते हैं ना रजिस्टर, वैसी यहां पर एन भी जो है वो दोनों डोपिंग कंसंट्रेशन का एक तरह से पैरेलल होता है. मतलब जो डोपिंग कंसंट्रेशन लेसर होगी वही आपका आंसर होगा, अगर दोनों अनइक्वल हैं तो. क्लियर है बहुत अच्छे से. मतलब अगर एन ए वेरी मच लेस देन एन डी है, तो एन की वैल्यू आपकी एन ए होगी. तो यहां पर आंसर हो जाएगा क्यू एन ए डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन. तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, क्यू एन ए डब्ल्यू स्क्वायर. तो ये आपका जो ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट. ये आपका 2 जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है अच्छे से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द
इन अ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर विथ लोड रजिस्टर आर एल इफ आर आई इज द इनपुट रजिस्टेंस विथाउट फीडबैक देन द इनपुट रजिस्टर विथ फीडबैक इज. बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है वोल्टेज सीरीज फीडबैक के लिए जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है. वो अगर इंक्रीज होता है मतलब चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आर आई एफ इज इक्वल टू आर आई वन प्लस बीटा ए वी. क्लियर है अच्छे से? तो अगर आपको ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है तो आप देख सकते हैं ए एंड सी आर करेक्ट. तो क्या सी भी करेक्ट है? नो, सी तो आपका रॉन्ग है, कोई चांस ही नहीं है. तो ये आपका ऑप्शन नंबर वन तो नहीं हो सकता. और आप देखिए ए कहीं पर और करेक्ट दिख रहा है, ए रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता, ए रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता. तो आप देखिए आपका आंसर ऑटोमेटिक आ गया, बी एंड डी आर रॉन्ग. तो बी आपका रॉन्ग ही है, यस, और डी आपका रॉन्ग ही है. बिल्कुल ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो टू है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. बी क्यों रॉन्ग है आपका? क्योंकि बी जो है वो नेगेटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बी जो है आपका पॉजिटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमें पता है ना जब आपका नेगेटिव फीडबैक होता है तो आंसर होता है वन प्लस लूप गेन, मतलब वन प्लस बीटा एवी, और पॉजिटिव फीडबैक के लिए वन माइनस बीटा एवी होता है. तो बी तो करेक्ट हो नहीं सकता था. सी के हिसाब से तो जो आप ए को करेक्ट बोल रहे हैं, फिर सी तो करेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपका जो इंपेडेंस है या रेजिस्टेंस है वो तो डिक्रीज हो रहा है यहां पर सी के केस में. और डी जो है ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है आरएल के बेस में, ठीक है ना? तो आपका बी एंड डी बोथ आर क्या है आपके? रॉन्ग है. नाउ नेक्स्ट आप देखिए, इन एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर द इंट्रेंसिक कैरियर डेंसिटी इज. तो यहां पर दिया हुआ है कि ये आपका एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रेंसिक कैरियर डेंसिटी आपकी क्या होगी? देखिए हमें पता है कि जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें आपकी कैरियर डेंसिटी क्या होती है? एन आई, ठीक है ना? और जो एन आई हमारी होती है वो कितनी होती है आपकी? अंडर रूट एन सी एन वी ई की पावर माइनस ई जी अपॉन टू के टी. तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, एन आई स्क्वायर का फॉर्मूला आप बहुत बार पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या होता है. तो डायरेक्ट इक्वेशन था आपका, तो आपका जो ऑप्शन नंबर थ्री है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर. क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपको दिया है द फ्रीक्वेंसी एट विच द ट्रांसफर फंक्शन मॉड ऑफ एच ओमेगा ऑफ द फॉलोइंग आरसी नेटवर्क इज 1/2. मतलब आपको यहां पर मॉड ऑफ एच ओमेगा पहले कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है. तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मॉड ऑफ एच ओमेगा के लिए अगर मैं इसे पहले आर दिखा दूं और इसे सी दिखा दूं मैं, तो यहां पर आप देखेंगे ये कितना है आपका प्लस माइनस इनपुट और ये है आपका प्लस माइनस आउटपुट, ठीक है? तो चूंकि यहां पर सी है मुझे इंपेडेंस लेना पड़ेगा, तो जो आपका वी नॉट ओमेगा होगा आपका, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? वी आई ओमेगा, मतलब जो आपका वी आई है ना वो सी और आर के अक्रॉस डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवीजन रूल लग जाएगा. पर आप ओमेगा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप सी का इंपेडेंस लेंगे, क्योंकि सी की यूनिट क्या होती है आपकी? फेरेड. तो सी का इंपेडेंस लेंगे, यूनिट को ओम बनाने के लिए इंपेडेंस लेते हैं हम लोग. आर की यूनिट क्या होती है? ओम होती है ना. तो सी का इंपेडेंस क्या होगा? वन अपॉन जे ओमेगा सी. तो वी आई ओमेगा इंटू वन अपॉन जे ओमेगा सी R प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी. तो अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो V जीरो ओमेगा अपॉन वी आई ओमेगा क्या आ जाएगा मेरा ट्रांसफर फंक्शन. तो इसे आप लिख लीजिए यहां पर, तो H ओमेगा कितना आ जाएगा हमारा वन अपॉन वन प्लस आर सी जे ओमेगा. बस इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक पॉइंट सजेस्ट करूंगा कि आपको ये जो लो पास फिल्टर है फर्स्ट ऑर्डर का आरसी सर्किट, इसका ट्रांसफर फंक्शन आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है? सिमिलरली हाई पास फिल्टर का भी आपको याद होना चाहिए. तो यहां पर अगर आप देखें आर की वैल्यू कितनी है 100 ओम, सी की है 2 माइक्रोफेरेड, तो आप पुट कर दीजिए. तो यहां पर हम पुट कर रहे हैं आर 100 ओम और सी जो है आपका कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ओमेगा एज इट इज रहेगा और जे भी आपका एज इट इज रहेगा.
तो यहां पर जो आपका एच ओमेगा है वो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। और आपको दिया क्या हुआ है कि मॉड ऑफ एच ओमेगा 1 बाई 2 है अगर, ठीक है ना, यहां पर आपको मेंशन है, तो आपका फ्रीक्वेंसी एट हर्ट्स कितना होगा। मतलब पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं और ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड करके हमें एफ मिल जाएगा, तो मॉड ऑफ एच ओमेगा कितना दिया है 1 बाई 2, तो मॉड क्या होता है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो आप देखिए दोनों के जो आपके न्यूमरेटर हैं वो सेम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर भी दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 4, आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 3, तो यहां पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो अब अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 8660.25 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन हमें पता है कि हमें आंसर जो है वो हर्ट्स में देना है, तो डिवाइड बाय आपको क्या करना होगा 2 पाई, तो हम इसे डिवाइड बाय 2 पाई करते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो आ रहा है आपका 1378 हर्ट्स। तो आप चेक कर लीजिए यहां पर क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, तो हम देखें यस ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल मैच हो रहा है हमारा, तो हमारा आंसर आ गया है 1378 हर्ट्स। अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था आपका आपके एग्जाम में टाइम के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन आपके पूरे 100 होते हैं, तो कैलकुलेशन में स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, आपको बोल रहा है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल एफ टी इज गिवन एस एफ एस द सिग्नल विल बी, ठीक है, मतलब हमें एफ टी चाहिए, हमें एफ एस गिवन है, एफ एस कितना गिवन है 5s + 3 एस इंटू एस प्लस 1, ठीक है। हमें अगर एफ टी चाहिए तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास एक तरीका क्या है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, ठीक है, तो अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 1, ठीक है ना, तो यहां पर मैं पार्शियल फ्रैक्शन आपके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो इसका कॉफिशियंट कितना आ जाएगा, सिंपली आप s की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए पूरे टर्म में, तो s की वैल्यू 0 पुट करने पर क्या आ जाएगा आपका 5s 0 हो जाएगा, ये s 0, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 3, ठीक है ना। अब उसके बाद s प्लस 1 को छोड़कर बाकी बचे हुए पार्ट में आप s की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस 1, पोल की वैल्यू आप देख लीजिए माइनस 1 है, तो माइनस 5 प्लस 3 कितना होगा माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा आपका, तो ये भी आपका आ गया। तो अगर आप अब इनवर्स लाप्लास ले लें तो 3 बाई एस, 1 बाई एस का क्या होता है यूटी, तो ये हो जाएगा आपका 3 यूटी, और आगे क्या है आपका प्लस 2 1 अपॉन एस प्लस 1 का क्या होता है ई की पावर माइनस टी, तो ये आ जाएगा 3 यूटी प्लस 2 ई की पावर माइनस टी, क्लियर है अच्छे से, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट हैपन व्हेन रेट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है आपका, प्रोग्राम काउंटर इज क्लियर्ड, नो ये आपकी बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहां पर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब रूटीन टू मेन प्रोग्राम, यस रिटर्न का मतलब यही होता है ना कि आप मेन प्रोग्राम में रिटर्न हो जाए, ठीक है। रिटर्निंग एड्रेस इज लोडेड इन टू द एक्यूमुलेटर, इतने आप श्योर नहीं है तो आप एक और स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, रिटर्निंग एड्रेस इज लोडेड इन टू द प्रोग्राम काउंटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेक, अब आप बिल्कुल श्योर होंगे कि एक्यूमुलेटर में नहीं आता रिटर्निंग एड्रेस, वो आता है प्रोग्राम काउंटर में, प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस होता है वहीं से तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा ना, तो आपका बी और डी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और सी आपकी रॉन्ग है, तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट बी एंड डी, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर टू आपका करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए आप, थ्योरी क्वेश्चन है आपका, द कैपेसिटर माइक्रोफोन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर प्रेसीजन मेजरमेंट बिकॉज इट इज। देखिए क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी। गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैपेसिटर माइक्रोफोन की, यस बिल्कुल सही है आपका। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है कैपेसिटर माइक्रोफोन की तो ये गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है इसमें, ठीक है। एक्सीलेंट लिनियरिटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, एक्सीलेंट लिनियरिटी। तो अगर आप थर्ड वाले के लिए श्योर ना भी हो तब भी आप चेक कर सकते हैं, ए और बी आपका जो करेक्ट है वो फर्स्ट ऑप्शन में है और फोर्थ में भी है। तो वैसे लार्ज डायनेमिक प्रेशर रेंज, आई डोंट थिंक कि ये कैपेसिटर माइक्रोफोन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। ऑल दो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे थ्योरी वाले जिसके लिए आप बहुत श्योरिटी से नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी आपने जो स्टडी की हुई है आपको उस कंसेप्ट पे बिलीव करना पड़ेगा और कहीं जगह आपको रिस्क लेने पड़ेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर वन है वो यहां पर मैं करेक्ट लेके चल रहा हूं, गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड एक्सीलेंट लिनियरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्टिकल सोर्सेस दिए हैं और फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, दे शुड हैव लार्ज स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ। सेकेंड गिवन है दे शुड हैव वेरी नैरो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, यस नैरो होती है आपकी स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। दे शुड एक्यूरेटली ट्रैक द इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल, द सोर्स शुड हैव लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो अगर हम यहां पर बात करें तो उन्हें एक्यूरेटली ट्रैक करना चाहिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और सोर्स शुड हैव लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम लोग बी सी डी तीनों ऑप्शन को ही करेक्ट लेके चल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका टू है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए आप, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेड ट्रांसफॉर्म, द जेड ट्रांसफॉर्म रिप्लेसेस लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सैंपल डाटा सिस्टम। यस कह सकते हैं आप, क्योंकि डिस्क्रीट पे हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस में लाप्लास, तो कंटिन्यूअस का ही सैंपलिंग वर्जन क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। द जेड ट्रांसफॉर्म रिप्लेसेस द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कंटिन्यूअस डाटा सिस्टम, नहीं क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म तो डिस्क्रीट के लिए होता है ना। नाउ जेड ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड डायरेक्ट पैरेलल टू द एस प्लेन एनालिसिस ऑफ ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट एरर्स स्टेबिलिटी, यस सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो वी कैनॉट मैप पॉइंट्स ऑन एस प्लेन टू पॉइंट्स ऑन जेड प्लेन, नो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, हम मैप कर सकते हैं। तो आपका ए और सी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर वन आपका सही होगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया आर गिवन, तो कौन कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया आपको गिवन है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ठीक है। तो इसमें बोला है फॉर हाई डाटा रेट ट्रांसमिशन सिस्टम अरेंज द अबव इन टर्म्स ऑफ देयर लॉसेस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है इन टर्म्स ऑफ देयर लॉसेस, मतलब लॉस जिसमें सबसे कम हो रहा है उसे हमें पहले लिखना है और लॉस जिसमें सबसे ज्यादा हो रहा है उसे लास्ट में लिखना है। तो हमें पता है इन चारों में ट्विस्टेड पेयर में सबसे ज्यादा होता है, तो आपका जो ए है वही सबसे आखिरी में होगा। तो आप देख सकते हैं ट्विस्टेड पेयर ये आपका सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है। तो ए आपका सबसे लास्ट में होगा, फिर सी, सी मतलब कोएक्सियल केबल, बिल्कुल करेक्ट, फिर आपका डी, डी मतलब माइक्रोवेव्स, एंड लास्ट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल, बिल्कुल करेक्ट है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थर्मोस्टेटिक कटआउट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, थर्मल एक्सपांशन ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल एक्सपांशन ऑफ मेटल्स, एक्सपांशन ड्यू टू एयर प्रेशर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको थ्योरी पता है, थर्मोस्टेटिक कटआउट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। नाउ इफ एच इज द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, देन
पीएच वैल्यू इज गिवन बाय माइनस लॉग एच, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर टू। तो माइनस लॉग एच होता है, अगर एच आपका हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है तो पीएच वैल्यू इज माइनस लॉग एच। नाउ नेक्स्ट क्या है, इन अ जे फेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस। देखिए जे फेट के केस में आपको करंट पता होनी चाहिए, ID is equal to IDSS 1 minus VGS upon VP का whole square। जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है वो हमारा होता है डेल ID upon डेल VGS। तो अगर मैं VGS के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं अब, तो ये हो जाएगा 2 IDSS 1 minus VGS upon VP, ठीक है, और 1 का फिर क्या हो जाएगा 0, और यहां आ जाएगा माइनस वन अपॉन वीपी। क्लियर है अच्छे से? नाउ जीएम जो होता है वो मैक्सिमम होता है एट वीजीएस इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं वीजीएस की वैल्यू यहां जीरो कर दूं तो ये हो जाएगा 2 IDSS, ठीक है, और वीजीएस जीरो होने पे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस वन बाय वीपी। तो माइनस साइन आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि यहां पर मॉड ऑफ वीपी लिखा हुआ है, तो 2 IDSS अपॉन वीपी, ऑब्वियसली बात है एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर टू। तो ये हमारा होता है ट्रांस कंडक्टेंस जो कि मैक्सिमम होता है एट वीजीएस इज इक्वल टू जीरो पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ TEM वेव इज, TEM वेव की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है? जीरो होती है, इसकी कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं है जिसको जिसके ऊपर होने पर ही आपका जो वेव है वो ट्रेवल कर पाएगी वेव गाइड से, नहीं। TEM वेव के केस में TEM मोड में आपका कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, लिमिटर सर्किट इज नॉट नीडेड इन द फॉलोइंग डिटेक्टर। लिमिटर सर्किट क्या होता है? जनरली होता क्या है आपका कि जब आप ट्रांसमिशन करते हैं और जब रिसीवर रिसीव करता है और हम रिसीवर यूज करते हैं तो एम्पलीट्यूड वेरी होता है आपका डीमॉड्यूलेशन के टाइम पे, उस रिसीवर प्रोसेस के टाइम पे। तो उस एम्पलीट्यूड वेरिएशन को मिनिमाइज करने के लिए या एम्पलीट्यूड वेरिएशन के इफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग लिमिटर सर्किट का यूज करते हैं। और रेडियो डिटेक्टर एक ऐसा डिटेक्टर है जहां पर लिमिटर सर्किट की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ऐसी चीजें अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू एम्पलीट्यूड आपका वेरिएशन नहीं होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनालाइज ऑल काइंड ऑफ मैटर्स। तो ये जो होता है आपका, इसका सिंपल थ्योरी आंसर है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर। ये होता है ऑल काइंड ऑफ मैटर्स को एनालाइज करने के लिए यूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इन अ सिलिकन मॉडल, सिलिकन ऑक्सीडाइजेशन मॉडल, इफ Hg इज द गैस फेस मास ट्रांसफर कॉफिशियंट, Cg इज द ऑक्सीडेंट कंसेंट्रेशन इन द बल्क ऑफ द गैस एंड Cs इज द ऑक्सीडेंट कंसेंट्रेशन एडजेसेंट टू द ऑक्साइड सरफेस, देन फॉर स्टडी स्टेट द गैस फेस फ्लक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एस। तो आपको गैस फेस फ्लक्स एक्सप्रेस्ड करना है, ठीक है। तो Hg यहां पर क्या गिवन है, इज द फेस मास ट्रांसफर कॉफिशियंट। तो जो आपका फ्लक्स होता है वो होता है फेस मास ट्रांसफर कॉफिशियंट, ठीक है, Cg ऑक्सीडेंट कंसेंट्रेशन माइनस Cs ऑक्सीडेंट कंसेंट्रेशन adjacent to the oxide surface। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है यहां पर, ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर अगर आप ऑप्शन मैच करें, सी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहां पर ये आपका आंसर हो जाएगा 25 का 3। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, द यूनिटी फॉलोअर, इमीटर फॉलोअर, यूनिटी गेन, कुछ भी आप बोल सकते हैं सर्किट को, और ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट होगा। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि मीटर फॉलोअर सर्किट या यूनिटी फॉलोअर सर्किट, ठीक है ना, या यूनिटी गेन सर्किट आपका क्या होता है, ठीक है। हमने यहां ओपैम से बनाया है, क्लियर है। तो ये आपका बन गया यहां पर 6 का ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं।
पार्ट टू में मैं आपके लिए बाकी के रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर करूंगा, और अगर इस पार्ट वन में आपको कोई भी डाउट हो या आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है। थैंक यू।